सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। सो आप प्लस टू का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे बारे जानकारी लवेंगे। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल दे विच अपने को दो चार्जेस होंगे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ये दोनों एक दूसरे के नाल कट्ठे रहिंदे आ, मतलब हम ओबीएस है सू पता कि जिदा एच सी एल आ फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ते क्लोरीन, तुसी कहने कि हाइड्रोजन ते क्लोरीन विच एक बॉन्ड आ। हुण तुहानू भी पता कि उत्थे कोई आपां कुछ बन्निया नहीं होया, ऑटोमैटिक एक फोर्स हुंदा जिहड़ा एक दूजे दोनों नू कट्ठियां रखदा। ते आपां नू पता कि इहदे ते डेल्टा प्लस ते इहदे ते डेल्टा माइनस चार्ज आ जांदा। इस तरह यह एक डाइपोल बन जाता, मतलब इहनू जे आपां बनाईए भी इदां आ ते इहदे च इत्थे माइनस इतने प्लस जोड़ा आ वो अलग अलग रेंदे, एक दूसरे तो दूर रेंदे आ, कट्ठे रेंदे आ, बट एक दूजे तो दूर रेंदे आ, सिरे बन जाते हैं, ध्रुव बन जाते हैं। इदा ही इलैक्ट्रिक डाइपोल इन जनरल असं पढ़ते पे हाँ कि प्लस क्यों चार्ज तो माइनस क्यों चार्ज एक दूसरे तो अलग है, दोनों के कोई दूरी आ, वो जी दूरी आ जो डिस्टेंस आ दैट वी कंसिडर एज टू एल, उन्होंने टू एल का नाम दिता वा। तुम उन्होंने कला एक्स भी कह सकते हो, एक्स सो इन्हें एक्स दूरी हैगी। सो ये एक इलैक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब दो सिरे बिजली चार्ज के नाल संबंध रखते हुए, इलैक्ट्रिसिटी नाल संबंध रखते हुए दो चार्ज है जेडे कि एक दूसरे तो दूर है, कट्ठे रेंदे आ, अलग नहीं कर सकते उन्होंने, मतलब कि अलग नहीं है, अलग तो कर ही सकते होंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन आप तोड़ सकते बॉन्ड में जो लोड़ पवे किसी ढंग ना, बट जिनी देर कट्ठे है तो इन्होंने जोड़ा चार्जस है प्लस क्यू तो माइनस क्यू कट्ठे है उन्होंने एक दूरी बनी हुई है। इन्हों की जी एक होर गल आप दसते हूँ वो हैगी संबंधित इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नूं असीं पी ना लिखते हाँ, पी इज ए वैक्टर क्वानिटी, पी इज इक्वल टू चार्ज एनी चार्ज कोई भी दोनों को सेम चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, असीं उहदा मैगनीट्यूड लै लिया क्यू, तो उहदे च जिहड़ी डिस्टेंस आ लैट लैट मी राइट एक्स, मैं एक्स की थान पर टू एल वी लिख सकता हूँ, बट इट शुड बी वैक्टर क्वानिटी, वट एवर यू राइट इट इज ए वैक्टर क्वानिटी, क्योंकि पी जरा वैक्टर क्वानिटी आ। सो आई एम टेकिंग इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जोड़ा हैगा वो एक वैक्टर क्वानिटी आ, सो पी, सो इस करके क्योंकि चार्ज तो स्केलर क्वानिटी है इस करके बचता कौन, सो ये डिस्टेंस बचता, असं टू एल लिया वा एक्स नहीं लिया, सो एक्स नहीं लिया टू एल लै रहे हैं, सो टू एल जोड़ा है वो एक वैक्टर बनेगा। यदि जी डायरेक्शन आ चार्ज की डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट वो पॉजिटिव वाले पासे होंगी माइनस तो प्लस वाले पासे होंगी, सो एक वैक्टर क्वानिटी आ। सो इतों के यूनिट जो आप बनाइए कूलम मीटर बनने, कूलम मीटर, सो पी के जोड़े यूनिट बनने वो कूलम मीटर बनने। सो ये एक इलैक्ट्रिक डाइपोल के बारे, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे गल सी। हम आप एक डाइपोल जो रिप्रजेंट करिए, मान लो आह डाइपोल मैं कह दाँ कि आह एक डाइपोल आ, सो दिस इज ए डाइपोल, जिहड़ी आ वाली लाइन आ जिहड़ी लाइन इहदे विचों लंघदी आ इहनूं कहिंदे एक्सियल लाइन, एक्सियल, ठीक है। जिहड़ी आ वाली लाइन आ जिहड़ी आ इहदे सेंटर तों इहदे परपेंडिकुलर एक लाइन लंघदी आ, सेंटर तों लंघदी आ परपेंडिकुलर लाइन, आई शुड टेक दिस डॉटेड, इट इज नॉट, तो ये डॉटर लाइन है परपेंडिकुलर है इट इज 90 डिग्री। सो ए वाली जी लाइन है इन कहते इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, सो ये अगे अपने लोड पैनी है।
सो इस करके ये सेंटर जो डाइपोल दा सेंटर या दिस इज सेंटर मिड मिड पॉइंट मतलब कि इधरले पासे भी एल या इधरले पासे भी एल मतलब आ वाला डिस्टेंस जेड़ा एल या ते आ वाला डिस्टेंस भी एल या। सो इस तरह ये इक्वटोरियल लाइन या आ एक्सल लाइन या टोटल लाइन जेड़ी कि ओदे पैरेलल ओदे विचों लंघदी आ मतलब कि डाइपोल उस लाइन दे उपर लेटिया होया आ ते जेड़ी इक्वटोरियल लाइन या ओदे हिसाब नाल जे आपां देखिए ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਖੜਾ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਹੁਣ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿੱਟ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਆਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡਾਈਪੋਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੋ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ।